Welcome to Hamad's Biology online lecture room. My name is Hamad Ahmadjan, lecturer in botany, Kurtaba University of Science and Information Technology, Peshawar campus, hayatabad Peshawar. The topic of this video lecture is uh, Introduction to Biology. What is biology? Meaning of biology. The word biology is derived from two Greek words bios means life and logos means to study definition the word biology was first coined by Carl Friedrich Burdach in 1800 in Germany Biology is defined as the branch of science which deals with the scientific study of life or living organism. Love's biology, जो है वो, Carol Frederick Bedrek ने 1800 में Germany में पहली दफा introduce किया. Biology science ki वो शाख है जिसमें जिंदगी या जानदारों का मुता करते हैं वट इज लाइफ अब सवाल पैदा होता है कि जिंदगी क्या है लाइफ इज ए सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक ऑन द बेस ऑफ विच वी सिपरेट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स जिंदगी खसूसियात का एक मजमू है जिसके बेस पर बुनियाद पर हम जानदारों को गैर जानदार चीज़ों से अलग करते हैं दीज करेक्टरिस्टिक्स आर एज फॉलोज नंबर वन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेलूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जितने भी जानदार है चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी हो वो सारे जो है सेल से बने हैं अब उनका जिसम जो है या तो एक सेल से बना है जैसे बैक्टीरिया क्लेमोडेमोनास पैरामीशियम वगैरह या ज़्यादा सेल से बना है मल्टी है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स मेटाबॉलिज्म मीन्स के जानदारों में मेटाबॉलिज्म होती है अब मेटाबॉलिज्म क्या है मेटाबॉलिज्म हमारे पास बायोकेमिकल रिएक्शंस का मजमुआ है जो के जानदारों के जिसम में होता है अब मेटाबॉलिज्म को फ़र्दर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हमारे पास उन केमिकल रिएक्शंस का मजमू है जिसमें जानदार जो है अपनी सेलुलर मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए इनऑर्गेनिक सिंपल मालिक्यूल्स को इकट्ठा करके उससे ऑर्गेनिक कंप्लेक्स मालिक्यूल बनाते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ग्लूकोज मालिक्यूल बनाते हैं इस प्रोसेस का एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस दूसरा है कैटाबॉलिज्म जो कि मेटाबॉलिज्म में ही आता है कैटाबॉलिज्म को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि ऑल दी बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड मालिक्यूल अकर इनटू सिंपलर एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि जितने भी कीमियाई रिएक्शन होते हैं जिसम में जिसमें बड़े पेचीदा मालिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज़ प्रोटीन्स लिपिड्स वगैरह इनकी ब्रेकडाउन होती है तोड़ पोड़ होती है और ये मालिक्यूल सादा मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं मींस के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इससे बनता है और नतीजे के तौर पर इससे एनर्जी खारिज होती है जिसे जानदार अपने डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं इसका एग्जाम्पल है कैटाबॉलिज्म का एग्जैंपल रिस्पायरेशन के रिएक्शन है जैसे ग्लाइकालिस के रिएक्शन हो गए क्रिप्साइकल के रिएक्शन हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के रिएक्शन हो गए नंबर थर्ड एक्सक्रीशन आता है एक्सक्रीशन हम कहते हैं कि जो फाजिल मवाद पैदा होते हैं मेटाबॉलिज्म के नतीजे में उनको जानदार अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इस बाहर निकालने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एक्सक्रीशन कहते हैं एक्सक्रीशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इस कॉल्ड एक्सक्रीशन तो ज़िंदगी या जानदारों का दूसरा तीसरा खसूसियत ये है कि उनमें एक्सक्रीशन होगी नंबर फोर्थ होम्योस्टैसिस होम्योस्टैसिस को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जानदार जो है वो अपने अंदरूनी इन्वायरमेंट को एक कांस्टेंट रेंज में रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं होम्योस्टेसिस कहते हैं जैसे कि वाटर बैलेंसिंग हो गई इस तरह एनिमल्स में टेम्परेचर एक ख़ास रेंज में रहता है जैसे कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो ये इस कांस्टेंट रेंज पे ही रहता है इस कांस्टेंट रेंज पे रखने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं होम्योस्टेसिस कहते हैं तो जानदारों में होम्योस्टेसिस होती है जितने भी जानदार है चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो प्रोटेस्ट हो चाहे फंजाई हो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो सब में होमियोस्टेसिस होती है नंबर फिफ्थ है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जानदारों में ग्रोथ भी होती है और डेवलपमेंट भी होती है वैसे तो दोनों को हम इंग्लिश में आलमोस्ट एक ही मानों में इस्तेमाल करते हैं लेकिन बायोलॉजी में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग टर्म्स हैं या वर्ड्स हैं ग्रोथ हमारे पास क्वांटिटेटिव है हमें क्वांटिटी बताती है जैसे कि जब माइटोसिस होती है तो उसके नतीजे में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं अब नंबर ऑफ सेल्स जब इंक्रीज होती है तो बॉडी की जो साइज है उसमें चेंज आती है अब ये हमारे पास क्या है ग्रोथ है कि मुख्तलिफ़ आर्गन्स का जो साइज़ है वो चेंज होता रहता है वक्त के साथ साथ तो ये वाला प्रोसेस जो है इसको हम ग्रोथ कहते हैं कि साइज़ में चेंजेस आ रही है अब साइज में चेंजेस किस वजह से आ रही है सेल डिवीजन की वजह से सेल डिवीजन की वजह से नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ रहे हैं और उन नंबर ऑफ़ सेल्स के बढ़ने की वजह से ऑर्गन्स का जो साइज़ है वो चेंज हो रहा है तो इसको हम क्या है? कहते हैं ग्रोथ कहते हैं दूसरा है डेवलपमेंट डेवलपमेंट हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है जैसे हमारे पास एक आर्गन है तो पहले उसका फंक्शन जो है वो पुअर होता है फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आती है जैसे कि छोटा बच्चा होता है तो वो पहले तो बैठ नहीं सकता लेकिन जब उसके मुख्तलिफ आर्गन्स की डेवलपमेंट होती है तो वो बैठना शुरू कर लेता है उसके बाद वो क्रॉलिंग करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलना सीख लेता है और फिर दौड़ता है तो ये क्या है ये हमारे पास पाव की या फीट की डेवलपमेंट है इसके अलावा स्टार्ट में वो बातें नहीं कर सकता फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालता है और फिर बातें सीख जाता है तो ये क्या है ये टंग की डेवलपमेंट है इस तरह पहले वो लिक्विड फूड लेता है फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसे सीमी लिक्विड फूड देते हैं और फिर उसे सॉलिड फूड देना शुरू करते हैं तो ये क्या है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट हो रही है तो डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है ये दोनों इंटरडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक दूसरे पर इनका इनहसार है ग्रोथ के बगैर डेवलपमेंट नहीं है और डेवलपमेंट के बगैर ग्रोथ नहीं हो सकती नंबर सिक्स्थ है मूवमेंट एंड लोकोमोशन मूवमेंट हमारे पास ये है कि बाड़ी का एक आर्गन जो है वो हरकत कर रहा है लेकिन उस हरकत की वजह से बाड़ी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जा सकता तो इसको हम क्या कहते मूवमेंट है? कहते हैं मोस्टली मूवमेंट्स कामन है प्लांट्स में और बाकी आर्गेनिज़म में भी होती है एनिमल्स में भी मूवमेंट होती है इसके अलावा दूसरे जो जानदार हैं उनके बाडी में भी मूवमेंट होती है लोकोमोशन लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंट यह है कि लोकोमोशन में बाडी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है जब आर्गन की मूवमेंट होती है तो लोकोमोशन डिपेंडेंट है मूवमेंट पर तो जानदारों की एक खुशियत यह है कि उनमें मूवमेंट और लोकोमोशन हो गया अब कुछ जानदारों में मूवमेंट होती है लोकोमोशन नहीं होती जबकि कुछ में मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों होती है जैसे प्लांट्स है तो प्लांट्स के मो प्लांट्स जो है वो मोस्टली मूवमेंट तो करते हैं लेकिन उनमें लोकोमोशन नहीं होती उनमें लोकोमोशन होती है लेकिन कुछ पार्ट्स की जैसे उनके जो स्पोर्स है या सीड्स है वो हवा के जरिए लोकोमोशन करते हैं लेकिन एनिमल्स जो है या बैक्टीरिया और पैरामीशियम वगैरह तो उनमें मूवमेंट भी होती है और लोकोमोशन भी होती है जब आर्गन्स की हरकत होती है तो उसकी वजह से पूरी बाडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं लोकोमोशन के बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट हो लोकोमोशन और अगर बाडी के जो आर्गन है उनमें हरकत तो हो रही है लेकिन बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट शिफ्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि बॉडी में मूवमेंट हो रही है रिस्पॉन्स टू स्टेम्यूलाय अब स्टिम्यूलाय हमारे पास दो तरह के होते हैं एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं तो जानदार क्या करते हैं रिस्पॉन्स देते हैं स्टिम्यूलाय को अब स्टेमोलाए बेसिकली है क्या चीज़ तो कोई भी चेंज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाए या इंटरनल इन्वायरमेंट बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई चेंज आए नार्मल से एब हो जाए कंडीशन तो इसको क्या कहते हैं इसको स्टिमुलस कहते हैं कि नॉर्मल कंडीशन जो है बाहर या बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर उसमें चेंजेस आ जाए तो ये चेंजेस क्या है ये स्टिमुलस है अब मुख्तलिफ़ जानदार रिस्पांस देते हैं इन स्टेम्योलाई को स्टिमुलस के एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि लाइट वैसे नॉर्मली आ रही है लेकिन यकदम कोई फ्लैश लाइट हमारे आंखों पर डालता है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं अब ये फ्लैश लाइट जो है ये नॉर्मल लाइट से मुख्तलिफ है तो फ्लैश लाइट हमारे पास क्या है स्टमुलस है तो हम जल्दी से आंखें बंद कर लेते हैं अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलस है बाहर बॉडी के बाहर से ये स्टिमुलस इन्वायरमेंट से आ रही है इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी हॉट सबस्टांस है और उसको हम छूते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर तो है लेकिन अब नॉर्मल टेम्परेचर से चेंज टेम्परेचर आता है तो जब हम हाथ से उसे छूते हैं और हमें लगता है कि ये गर्म है तो हम हाथ पीछे खींच लेते हैं तो ये एक स्टिमुलस है ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है अब इंटरनल स्टिमुलस हम कोई एक्सरसाइज करते हैं हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन एक्सरसाइज के दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो कुछ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है अब यही हीट जो है वो हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को इनक्रीज़ कर रहा है अब हम कहते हैं कि होम्योस्टेसिज होती है हमारी बाड़ी में तो हमारी बाड़ी क्या करती है अब रिस्पॉन्स दे रही है इस हाई टेम्परेचर को किस तरह के हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है पसीना आना शुरू होता है जिसके ज़रिए पसीने के ज़रिए बाड़ी जो एक्स्ट्रा टेंपरेचर है या हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको पसीने के ज़रिए बाड़ी से बाहर निकाल लेती है तो ये क्या है ये इंटरनल स्टिम्यूलस है या फॉर एग्जांपल भूख का लगना तो जब हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं अब स्टमक से हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है जब स्टमक इमटी हो जाती है तो हमें पता लगता है कि हमें भूख लगती है तो ये इंटरनल स्टिमुलस है ये क्या है ये इंटरनल स्टिमुलस है तो जानदार चाहे एक्सटर्नल स्टिमूलाए हो चाहे बॉडी के अंदर वाले स्टेमुलाए हो उनको रिस्पॉन्स देते हैं रिएक्शन देते हैं उसके नतीजे में रिप्रोडक्शन जानदार जो है वो अपने तरह के दूसरे जानदार पैदा करते हैं इसको हम क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन कहते हैं हेरिडिटी जानदार अपनी तरह के ही जानदार पैदा करते हैं अब अपनी तरह के कैसे पैदा करते हैं कि कुछ खसूसियात है जो वो मुंतकिल करते हैं अपने बच्चों को इन खसूसियात के मुंतकिल होने के तरीके को क्या कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं अब वो खसूसियात डीएनए में होते हैं और डीएनए जो है वालदे से बच्चों में मुंतकिल होते हैं डीएनए एन से बच्चों में मुंतकिल होता है डीएनए में खूसियात होते हैं इन खसूसियात की मनतकली को डी एन ए के जरिए इन खूसियात की मंतकी को हम क्या कहते हैं हेरिडिटी कहते हैं इसी वजह से बच्चे जो है वो वालदेन के साथ मिलते जुलते हैं तो जानदारों के एक और खसूसियत क्या हेरिडिटी है, है। आखिरी जो खसूसियत है या कैरेक्टरिस्टिक है जानदारों की वो क्या है एडाप्टन थ्रू एवोलूशन अब हमें पता है कि इन्वायरमेंट जो है एक्सटर्नल इन्वामेंट वो कांस्टेंट नहीं रहता हमेशा उसमें तब्दीली आती रहती है तो जानदार कुछ खसूसियात अपनाते हैं खसूसियात को के अपनाने को क्या कहते हैं एडाप्टेशन कहते हैं अब खसूसियात वो किस तरह अपनाते हैं एवोल्यूशन के ज़रिए बॉडी में कुछ चेंजेस लाते हैं तो तब खसूसिया में भी चेंजेस आती है तो इसको हम क्या कहते हैं एडाप्टेशन थ्रू एवोल्यूशन के वक्त के साथ साथ जब बाड़ी के जिसम के खसूसिया में तब्दीली आए और ये तब्दीली किस वजह से आते हैं जब इन्वायरमेंट में तब्दीली आती है तो जानदार अपने जिसम में तब्दीली लाते हैं जिसम में तब्दीली लाने का मकसद ये है कि जिसम के खसूसियात में तब्दीली लाते हैं इन्वामेंट माहौल के मुताबिक अपने जिसम में तब्दीली लाते हैं तो माहौल के मुताबिक अपने जिसम में तब्दीली लाने लाना भी जानदारों की खसूसियत है और इसको हम क्या कहते हैं एडाप्टेशन थ्रू एवोल्यूशन थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो